हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टुडे सब टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन इज द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन दिस सब टॉपिक विल हैव टू स्टडी अबाउट इरोजन सॉइल इरोजन रूट्स एंड फूड्स ऑफ सॉइल इरोजन विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस सॉयल इरोजन ट्री afterwards soil conservation along with this we have to understand some geographical terms which will help us to understand soil erosion its root causes and its resultant before coming on the topic i would like to request you please subscribe my channel if you don't have subscribed it and let me be boost up थैंक यू नाव लेट्स कम ऑन द पॉइंट एक्सोजेनिक अर्थात बाह्य प्रोसेस मतलब प्रक्रिया या प्रक्रम या बाह प्रक्रम आप जब ज्योग्राफिकल या जियोमोरफोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इन सारे ज्योग्राफिकल टर्म से दो चार होना पड़ेगा इन सारे टर्म्सों को समझना पड़ेगा इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जो मोर्फोलॉजिकल प्रक्रम काम करता है पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रम काम करता है वह आपको इंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है या आंतरिक शक्ति कहते हैं वो जो है आपको अर्थक्वेक के रूप में बॉलकैनिक इरप्शन के रूप में माउंटेन बिल्डिंग्स फॉल्टिंग्स इत्यादि के रूप में यह पृथ्वी पर उच्चावच पैदा करता है लेकिन इंटोजेनिक फोर्सेस के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसका यह एक्सोजेनिक प्रोसेस समतलीकरण करता है उसका तोड़ फोड़ करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है और डिपोजिशन करता है इस तरह से समतलीकरण करता है तो इस इरोजन को समझने के लिए हमको यहाँ से थोड़ा सा नज़र दोहराना पड़ेगा कि ये जो बाह्य प्रक्रम है जिसको एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं इसके दो प्रकार हैं पहला है डिग्रेडेशन और दूसरा है एग्रेडेशन आप इससे पहले सब टॉपिक्स में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स पढ़े हैं वहाँ डिग्रेडेशन का अर्थ होता है भूमि के गुणवत्ता में ह्रास भूमि के गुणवत्ता में कमी और दूसरा भी अर्थ उससे जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ होता है निम्नीकरण मतलब ऑफ द अर्थ सरफेस तो इसमें दो प्रक्रम दो प्रक्रिया इन्वॉल्व है एक तो लोअरिंग डाउन ऑफ द सरफेस और दूसरा है कि भूमि के गुणवत्ता में ह्रास या कमी लेकिन या एक्सोजेनिक प्रोसेस की जब बात हम करते हैं तो इस डेग्रेडेशन का मतलब होता है लोअरिंग डाउन ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के एजेंट काम करता है तो चट्टाने टूट फूट कर वहां से इरोजन के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है स्थानांतरित हो जाती है तो ऊंचे भाग नीचा हो जाता है तो एक हो गया निम्नीकरण यह काटता छाटता है ऊंचे उठे हुए भूमि को और समतलीकरण करता है यह हो गया निम्नीकरण या समतलीकरण दूसरा है अधिवृद्धिकरण जब वह काटे छाटे गए जो चट्टान के टुकड़े हैं मलबे हैं अवसाद हैं उसको जो बहता हुआ जल हिमानी पवन अपने साथ कहीं अन्यत्र डिप्रेशन में या आप यूं कहें कि वह कहीं निचले इलाके में बिछा दी जाती है तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन और डिपोजिशन के कारण ही क्या होता है एग्रेडेशन होता है अधिवृद्धिकरण तो अधिवृद्धिकरण और डिपोजिशन एक दूसरे का पूरक है डिपोजिशन होगा या निक्षेपीकरण होगा जिसको हम निक्षेपण भी बोल सकते हैं तो अधिवृद्धिकरण होगा मतलब भूमि ऊंचा होगा और जब डिग्रेडेशन होगा तो ऊंचे भूमि जो है वह कट छट के नीचा होगा और वह समतल होगा तो हमें यहाँ पढ़ना है डेन्यूडियेशन जिसका अर्थ जिसका दो प्रकार होता है वेदरिंग एंड इरोजन क्योंकि आपके बुक्स में सीबीएसई के बुक्स में जो पहला लाइन है वह यही है कि द डेन्यूडिएशन ऑफ सॉइल कवर And subsequent washing down is described as soil erosion. तो इस denudation को समझाने के लिए हमें यहां से अपनी समझाने का यात्रा आरंभ करना पड़ा तो ये denudation क्या है Denudation आपको degradation का ही अगला प्रक्रिया है जिसमें वेदरिंग भी आता है और इरोजन भी आता है डेन्यूडेशन में चट्टानों का टूटना भी सम्मिलित हो चूर, चूर होना भी सम्मिलित है और उसका अन्यत्र स्थानांतरित होना भी सम्मिलित है तो अन्यत्र जो स्थानांतरित होता है वह इरोजन के प्रक्रम के अंतर्गत आता है वेदरिंग में क्या होता है वेदरिंग में चट्टाने टूटती फूटती है इरोजन में क्या होता है इसमें टूटती फूटती भी है और चट्टाने टूटे फूटे हुए चट्टान स्थानांतरित होता है इसलिए इस परिभाषा में है कि द डेनेडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन की जो सॉइल कवर होता है ऊपरी परत होती है अर्थक्रस्ट का भूपटल का भूपरपट्टी का वह जो है आपको विभिन्न डेनिडेशनल प्रोसेसेस या अनाच्छादन के प्रक्रम या प्रक्रिया के कारण टूटती फूटती है अब होती है विखंडित होती है और फिर वह जो बहते हुए जल है पवन है ग्लेशियल्स है ग्लेशियल्स अर्थात हिमानी है उसके द्वारा बहाकर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन अदर डेफिनेशन इज इट इज द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल जो धरातल पर अर्थक्रस्ट के के ऊपर जो टॉप सॉइल्स होते हैं उसका ये जो नेचुरल फैक्टर्स आप इस सोइल इरोजन ट्री में देखते हैं और ये जो मैनमेड फैक्टर्स देखते हैं ये दो पार्ट है इनके द्वारा या तो उसका विनाश हो जाता है विनष्टीकरण हो जाता है या वो वहां से स्थानांतरित कर दिया जाता है किनके द्वारा इन सारे फैक्टर्स के द्वारा नेचुरल प्राकृतिक कारकों के द्वारा और ये मानव जनित कारकों के द्वारा यह स्थानांतरित कर दिया जाता है और जो क्या होता है बाय द डायनेमिक डायनेमिक दी मोबाइल गतिशील जो गतिशील होता है डायनेमिक एजेंट्स ऑफ अर्थ एंड एटमोस्फेयर अर्थ के जो डायनेमिक एजेंट्स हैं वह है रनिंग वाटर सी वेव्स ग्लेशियल्स और एटमोस्फेयर का जो गतिशील एजेंट्स है वह आपको टोरेंशियल रेन ब्लोइंग तो ये जो है आपको जो टॉप सॉइल्स है उसको रिमूव कर देता है स्थानांतरित कर देता है मैं आशा करता हूं कि अब आप सॉइल इरोजन के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे अब हम प्रयास करते हैं आपको इस सॉइल ट्री के माध्यम से एक एक करके संक्षेप में यह बताने के लिए कि किस तरह से ये जो प्राकृतिक फैक्टर्स है और मानव जनित फैक्टर्स है वह सॉइल इरोजन के लिए उत्तरदायी है और जब सॉइल इरोजन होता है तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है किस तरह के समस्याओं का महम मानवों को हम पूरे संपूर्ण जीव जगत को सामना करना पड़ता है इन तथ्यों को के बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे तो सबसे पहले तो यह देख लीजिए मास मूवमेंट स्टीप स्लोप्स जब पर्वतीय इलाकों में पाठाड़ी इलाकों में ढलान तीव्र होते हैं तो वहां क्या होता है मास मूवमेंट होता है आप सुने होंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में एवलॉन्च के बारे में आप सुने होंगे रॉक स्लिप्स के बारे में तो ये आपको स्टीप स्लिप्स के सहारे जो ह्यूज मास ऑफ रॉक्स होते हैं वह आपको या तो स्लिप कर जाता है या वह अगर रॉक्स नहीं है लूज मटेरियल्स है तो वह ढाल के सहारे नीचे सरक जाता है तो यह मास मूवमेंट है वह भी एक तरह का सॉयल इरोजन के कैटेगरी में आता है दूसरा है फ्लूवियल इरोजन या गतिशील जल जनित अपर्दन अपर्दन तो उसी को भूषण अपचरण भी कहते हैं तो क्या है कि ये फ्लुवियल इरोजन को समझने के लिए आपका ध्यान यहां खींचना चाहूंगा ये है मोड्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन मतलब जो जल जनित या जलीय अपर्दन जो है वह इस रूप में होता है सबसे पहले होता है स्प्लैश स्प्लैश क्या होता है जब बूंदों का आघात बरसा जल का आघात चट्टानों पर धरातल के ऊपरी परत पर पड़ता है तो धीरे धीरे वह चट्टान क्या होता है वेदर्ड हो जाता है वह टूटता फूटता है और जब वह टोरेंशियल रेनफॉल होता है मूसलाधार बारिश होती है तो वह जो टूटे फूटे चट्टान है उसको वह जल आगे लेके निकल जाता है सम्पूर्ण इलाके में विस्तृत इलाके में जो अपेक्षाकृत प्लेन होता है वहां एक चादर के रूप में आगे बहता हुआ निकल जाता है वह जब आगे निकलता है जिसको सीट इरोजन भी कहते हैं स्प्लैश इरोजन कहते हैं और जब वह आगे निकलता है उसके सामने अगर एकाएक ढाल आ जाता है तो ढाल के सहारे वह रील्स के रूप में नीचे उतर जाता है रील्स मतलब होता है उंगलिया मतलब वे छोटे छोटे शाखाओं में ये जो शाखाएं उप शाखाओं में निकल जाता है जिसको हम कहते नलिकाएं तो यहां नलिकाओं के रूप में ये जितने टूटे फूटे रॉक्स पार्टिकल्स है चट्टान है मिट्टियां हैं वह अपर्दित होकर इस छोटी छोटी नलिकाओं से होते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर जब और तीव्र ढलान मिलता है तो वहाँ जाके यह गलीज में बदल जाता है मतलब कई रील्स मिलकर गलीज का निर्माण करता है जिसको अब नलिकाएँ भी बोलते हैं आपके पुस्तक में इन सारे टर्म्स का उपयोग हुआ है इसलिए मैं इसको समझाना उचित समझता हूँ तो सबसे पहले स्पैस फिर सीट फिर रिल्स इरोजन और फिर गलीज इरोजन और वही गली जो बड़े बड़े नालों में प्रवाहित होते हैं दोनों तरफ उसका आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल कटाव होता है अपर्दन होता है तो उसका जो है चैनल का गहराई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाता है तो वो उसको रेबुलेट बोलते हैं या नाला बोलते हैं और बाद में वही जाके आपको मुख्य नदी में सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ते हुए मुख्य नदी में मिल जाती है और इस तरह से ये जो संपूर्ण इलाके हैं ये संपूर्ण रीजन है जहाँ स्प्लैश इरोजन होता है और उसके आगे जब नीचे ढाल पर बढ़ते हैं तो सी इोजन का का काम होता है फिर रिल्स का निर्माण होता है गलीज का निर्माण होता है इन सारे इलाके में जो है संयुक्त रूप से हम इसको रैविंस रीजन बोलते हैं या बीहर बोलते हैं आप चंबल का बीहर के बारे में सुने होंगे तो ये खास करके आपको पर्वतीय ढलान वाले इलाके में पाठार के ढलान वाले इलाके में ये रैवेंस आपको डेवलप करता है बिहड़ डेवलप करता है और बिहड़ जो है गलत कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए छिपने का बहुत ही मुफीद जगह होता है बहुत ही सुरक्षित जगह होता है आप सुने होंगे केरला में बिरप्पन बिरप्पन जिस इलाके में छिपता था वह भी बिहार था आप सुने होंगे दस्यु सुंदरी फूलन देवी के बारे में सुने होंगे वह चंबल के बिहरों में छिपी रहती थी और वहाँ से वह अपने क्रियाकलाप को अंजाम देती थी इस तरह से ये जो राविंस है बिहार क्षेत्र है यह जो है डकैतों के लिए कुख्यात स्थान होता है अगला कारक है आपको फ्लूवियल इरोजन। उसी के अंदर आता है टोरेंशियल रेन मूसलाधार बारिश जिसको अभी आपने यहां भी समझा तो मूसलाधारधार बारिश के चलते क्या होता है आपको वेदरिंग की प्रक्रिया तेज होती है और वेदरिंग के साथ साथ इरोजन की भी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है वेदरिंग में चट्टाने टूटती फूटती है धरातल के करे चट्टान हो या मुलायम चट्टान हो वह या मिट्टी का परत हो वह टूटती फूटती है और मूसलाधार बारिश की वजह से वह उस बारिश के जल के साथ आगे भी बढ़ जाती है तो इस तरह से यह भी इरोजन के फैक्टर हैं अगला है ग्लेशियल इरोजन जब आप स्नो कवर्ड एरिया या बर्फाच्छादित क्षेत्र में बर्फ या हिमानी या परिहिमानी वाले इलाके में जो हिमानी अपने साथ जब आगे बढ़ती है मूव करती है तो वो सामने आने वाले चट्टानों को भी तोड़ती फोड़ती है और उस टूटे फूटे हुए चट्टानों को आगे लेके निकल जाती है स्थानांतरित कर जा कर देती है जिसे हम ग्लेशियर इरोजन के रूप में जानते हैं अगला है फ्लड एंड ड्रॉट्स आप को मालूम है जब फ्लड आती है तो क्या होता है उसमें बहुत बड़े भूभाग का बहुत बड़े क्षेत्र का जो टॉप सोइल्स है वह अपर्दित हो जाता है और वह स्थानांतरित भी हो जाता है वह ट्रांसपोर्टेड हो जाता है तो यह फ्लड भी एक कारण है और दूसरा है ड्रॉट ड्रॉट में सूखा सूखा में क्या होता है जो चट्टाने हैं वह गर्मी के कारण सूखा के कारण वह आपको धीरे 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 थर्मल वेदरिंग के कारण टूट फूट जाती है चूर हो जाती है और फिर हवा के द्वारा या फिर कभी वर्षा जल का जब वर्षा जब आरंभ होती है तो उसके जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो फ्लड और ड्रॉट में भी चट्टाने अपर्दित होती हैं मिट्टियाँ अपर्दित होती है अगला है सी वेव्स एक्शंस मतलब आप जो ये समुद्री धाराएं हैं जब पेनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो निचले भाग में में अरब सागर के तरफ से भी इरोजन होता है खास करके क्रोमंडल तट या तमिलनाडु तट में ये सी वेव्स का एक्शन देखने को मिलता है वहाँ भी चट्टाने टूटती फूटती हैं और अपर्दित होती है तो ये सारे हो गए आपको नेचुरल फैक्टर्स प्राकृतिक कारक अब हम लोग एक एक करके मैनमेड फैक्टर्स को देखते हैं तो सबसे पहला है ओवर ग्रेजिंग अति पशुचारण बहुत ज़्यादा पशुचारण जब वो होता है तो क्या होता है चट्टान मिट्टियों का जो वेजिटेशन कवर होता है वह लॉस्ट कर जाता है और फिर हल्की हवा से भी हल्की बारिश में भी उस वर्षा जल के साथ हवा के साथ वहां की मिट्टी स्थानांतरित हो जाया करता है और इस तरह से ओवरग्रेजिंग भी आपको सॉइल का कारण बनता है अगला है डिफॉरेस्टेशन मानव अपने विकास के क्रम में जो है वृक्षों की कटाई अंधाधुंध कर रहा है चाहे वह माइनिंग के लिए हो सड़क के निर्माण के लिए हो रेलवे ट्रैक का निर्माण के लिए हो या अपने आवास के निर्माण के लिए हो वह जंगलों की कटाई बेतहासा करते जा रहा है तो जहाँ जहाँ जंगलों की कटाई होती है वहाँ की मिट्टियाँ नग्न हो जाती है और उस पर थर्मल वेदरिंग या फ्लूवियल वेदरिंग सभी तरह के वेदरिंग एजेंट काम करने लगते हैं और वहां के सॉइल कवर अपर्दित हो जाते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन बस कंस्ट्रक्शन में भी वही बात है आपको जितने भी निर्माण कार्य है उसमें भी आपको सॉइल कवर अपर्दित होते हैं अपक्षयित होते हैं माइनिंग में भी माइनिंग में क्या है कि माइनिंग के बाद जो वह क्षेत्र गड्ढों से पटा रहता है उसको बाद में भरा नहीं जाता है वहां की मिट्टियां वैसे ही नग्न अवस्था में अपर्दित होती रहती है और उस मिट्टियों का उपयोग सकारात्मक नहीं हो पाता है तो यह भी एक फैक्टर होता है अपर्दन का मैनमेड फैक्टर्स अगला है डिफेक्ट प्लोइंग जो जो जुताई है जुताई का जो है गलत तरीका समतल जुताई अगर करते हैं तो वहां सीट इरोजन होने का चादर इरोजन होने का खतरा ज्यादा होता है बहते हुए जल जब बाढ़ का जल उस इलाकों में प्रवेश करता है तो समतल भूमि पर के जो टॉप है उसको अपर्दित करते हुए अपयित और अपर्दित करते हुए आगे निकल जाती है लेकिन अगर वहीं कंटूर प्लॉइंग हो तो वहां की मिट्टियां सीट इरोजन के कारण अपर्दित नहीं हो पाती है तो यह आपको डिफेक्ट प्लॉइंग भी आपको अपर्दन का कारण होता है तो ये सारे रूट कॉज है इरोजन के और इसके जो रिजल्टेंट्स हैं जिसको मैंने यहां रूट इरोजन लिखा ये रिजल्ट्स को आप फ्रूट समझ लीजिए जब इस रिजल्टेंट की हम बात करते हैं तो संक्षेप में देखिए इफेक्ट एवरी वन इक्वल टू फूड इनसिक्यूरिटी जब सॉइल का इरोजन होगा बढ़ती हुई जनसंख्या को जब भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो वह सभी कोई उससे प्रभावित होगा अगला है डिक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इक्वल टू राइजिंग प्राइसेज जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्रॉप्स का उत्पादन कम होगा क्योंकि जब सॉइल इरोडेड हो जाएंगे अपर्दित हो जाएंगे तो जो है उत्पादन कम होगा जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है उस अनुरूप जब उत्पादन कम होगा तो जो उत्पादित सामान है माल है उसका दाम बढ़ जाएंगे और जब दाम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगा कुपोषण की समस्याएं बढ़ती चली जाएगी और इस वजह से क्या होगा इंक्रीजिंग डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानव और संपूर्ण जीव जगत में जो है आपको अनेक तरह के जो बीमारियां हैं वह बढ़ेगी कुपोषित होने के कारण वह आराम से जीव को जकड़ लेगा लॉस ऑफ सॉयल ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ फर्टिलिटी जब मिट्टियों में जो सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही ही वही स्थानांतरित हो जाएंगे अपर्दन के शिकार हो जाएंगे तो क्या होगा वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जो आपको ह्यूमस होता है उसको डिकम्पोज करता है और उसमें फर्टिलिटी ऐड करता है तो इस वजह से लॉस ऑफ सॉयल ऑर्गेनिज्म के वजह से क्या होगा लैक ऑफ फर्टिलिटी आ जाएगी सॉइल में इंक्रीजिंग डेजर्ट एरिया फोर्स माइग्रेशन और जब डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा होगा या डेजर्ट एरिया ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो फोर्स माइग्रेशन होगा लॉस ऑफ ह्यूमस, लॉस ऑफ फर्टिलिटी लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड एयर क्वालिटी भी प्रभावित होगी एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ेगा जब वेजिटेशन कवर घटेगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सॉइल इरोजन कि ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं अनमैनमेड फैक्टर्स हैं ये सारे रूट कॉज है और इसके जो फ्रूट्स हैं इसके जो रिजल्टेंट है ये सारे आपके सामने हैं अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स को देखेंगे मिट्टी का संरक्षण बच्चों सॉइल इरोजन के कारण और ये निदान कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स इसको आपको बारीकी से समझना चाहिए क्योंकि यही आपको जब आप बड़े होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए तैयारी करेंगे उस समय भी इन सारे आ, सारी बातों से पाला पड़ेगा इन सारी बातों को पढ़ना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है चाहे वह शॉर्ट आंसर हो लॉन्ग आंसर हो वेरी लॉन्ग आंसर हो उन सारे जवाब में आप जब इन सारे चीज़ों को जानेंगे और उसके इस रिजल्ट्स को जानेंगे तो बड़े से बड़े उत्तर आप तैयार कर लेंगे जहां कहीं भी आपको समझने में कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें और समय रहते मैं उसका जवाब भी आपको शर्ब कर दूंगा अब चलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स मिट्टियों का संरक्षण सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन मतलब वनरोपण या वृक्षारोपण या पुनर्वृक्षारोपण जहाँ कार्य हुआ सड़कों का निर्माण हुआ तो बहुत बड़े इलाके में सफाई हो गई तो उन इलाकों में फिर से वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि वहां का सॉइल कवर का रक्षा कर हो सके क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है वह मिट्टियों को जकर कर रखती है और अनावश्यक नाहक जंगलों की कटाई होने से बचाना चाहिए चिपको मूवमेंट जैसे आंदोलनों की आ, का समर्थन करना चाहिए और हमें इन बातों को अपने स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स जो चारागाह है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए पशुचारण के लिए अगर एक तरफ वनस्पति को चराया जा चुका है तो फिर वहां कुछ दिन छोड़ दिया जाना चाहिए फिर दूसरे भाग में पशुचारण किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एनिकट टू कंट्रोल फ्लड एंड टू मैनेज प्रोन एरिया बाढ़ के नियंत्रण के लिए हमें डैम बनाने की आवश्यकता होती है एनिकट बनाने की आवश्यकता एनिकट मतलब छोटे बांध ये और इस डैम का मतलब बड़ा बांध तो इससे बाढ़ का नियंत्रण होता है और बाढ़ का जब नियंत्रण होगा तो आपको सॉयल इरोजन जो बड़े पैमाने पर होता है फ्लड के कारण वह रुकेगी और जहां सूखा का स्थिति होता है उस सूखे इलाकों में ये जो डैम में एनीकट में जमा पानी है उसको चैनल के माध्यम से सप्लाई किया जा सकता है और ड्रॉट वाले इलाके को भी हरा भरा रखा जा सकता है तो वहां भी ड्रॉट वाले इलाके में भी सूखा के कारण जो मिट्टियां लूज हो जाती है अपछित हो जाती है अपर्दित हो जाती है विंड इरोजन ज्यादा तीव्र हो जाता है या जलीय प्रक्रम बाद में वहां ज्यादा तेजी से अपर्दन करने लगती है तो इन सारे चीजों का वहां जो है रोक हो पाएगा कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज जो भी माइनिंग एक्टिविटीज किया जाता है उस माइनिंग एक्टिविटीज़ में के बाद वहाँ के जो भूमि है उबर खावर भूमि है गड्ढे बने होते हैं स्कार्स होते हैं उसको ढक दिया जाना चाहिए और उन इलाकों में रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए ता, ताकि वहाँ फिर से शॉयल कवर डेवलप हो और जो सॉयल है वह अपर्दित होने से बच सके टेरेस्ट कल्टीवेशन जो पहाड़ी ढाल है या पठारी इलाके हैं पहाड़ी ढाल पर और पाठारी इलाके में वेदरिंग एंड इरोजन दोनों सक्रिय होता है ये दोनों प्रक्रम को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो ढाल है उसको स्टेप में काट कर काटकर काट कर खेती किया जाना चाहिए ताकि वहाँ की मिट्टी ढाल के सहारे आराम से अपर्दित होकर स्थानांतरित न हो सके अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। उन इलाकों में जहाँ पवन अपर्दन या पवन अपर्दन की प्रक्रम तीव्र होती है उन इलाकों में विंड ब्रेकर्स का निर्माण कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट का निर्माण करते हैं कर सकते हैं यह क्या होता है यह होता है बड़े बड़े पेड़ों का एक लाइन बनाना एक लाइन से वृक्षारोपण करना ताकि जो आने वाली तीव्र हवा है तेज पवन है उसके लिए वह रोक का काम कर सके और उसके बाद का जो मैदानी इलाके हैं या जो स्थलीय भाग है उसका अपर्दन कम हो सके तो एक ये हो गया अगला है एडॉप्टिंग कंटूर प्लॉइंग जो जुताई है वह समुच्च जुताई मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा जो होते हैं उसके उसको समुच्च रेखा कहते हैं समोच्च जुताई में क्या होता है खेत को जो है इस तरह से आपको जुताई की जाती है जिससे क्या होता है जो बहता हुआ जल है वह इस मिट्टी को आराम से बहा नहीं पाती है चूंकि उसके लिए ये जो ये लाइन जो है कंटूर लाइंस समोच्च जुताई का यह मिट्टियों का जो कंटूर लाइंस है ये आपको एक के बाद दूसरा तीसरा ये एक दूसरे के लिए रोक का काम करता है उस जल को रोकने का काम करता है उसका जो वेलोसिटी है उसकी जो स्पीड है वह स्पीड को रोकता है कम करता है तो यह आराम से अपर्दित नहीं हो पाता है तो समो समोच जुताई से भी स्वाइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नीबुसेज और कंस्ट्रक्शन चेक वॉल्स मतलब जो मरोस्थलीय इलाके हैं वहाँ पवन अपर्दन का जो प्रक्रम है वह बहुत तीव्र होता है उस प्रक्रम को कम करने के लिए उन इलाकों में थॉर्नी बुशेज, जो वहाँ का जो है टिपिकल वेजिटेशन है वेजिटेशन कवर है उसको उगने के लिए उसको उगाने के लिए मानव को प्रयास करना चाहिए ताकि वहां सैंड का स्त्रीकरण हो सके या जो विंड उरोजन है उसको कम किया जा सके अगला है स्ट्राइप क्रॉपिंग जो खेत है उस खेत के किनारे किनारे घास के उगाने और झाड़ियों के उगाने से जलीय प्रदन को कम किया जाता है रोका जाता है तो इस तरह से ये सारे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स के स्टेप्स हैं इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको आप अगले क्लास में पढ़ेंगे जानेंगे आपको मेरे चैनल को देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद